गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया किसने? वो आधुनिक आवर्त सारणी की जो आविष्कारकर्ता थे, यानी कि जो पहले जो मेंडलीव के पीरियडिक टेबल से जो मिला वो बहुत दिन तक चलता रहा, लेकिन वो बाद में जे मोसले के एक्सपेरिमेंट के बाद वो गलत साबित हो गया। उनका जो पीरियोडिक टेबल था वो मास नंबर पर था, और जबकि जे मोसले ने प्रमाणित किया कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण इनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। तो उन्होंने कैसे इसको बताया, वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि कैथोड किरणों को किसी भी एलिमेंट के ऊपर वो बॉम्बार्ड कर रहे थे, यानी प्रहार करते थे, तो उनको एक्स किरणें प्राप्त होती थी। एक्स किरणों के कारण उन्होंने पाया कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले प्राप्त हो रही है। तो उन्होंने देखा कि इसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाए उनके फ्रीक्वेंसी के और उनके द्रव्यमान के बीच में, परमाणु द्रव्यमान के बीच में, यानी मास नंबर के में। तो देख रहे थे कि एक सीधी रेखा प्राप्त नहीं हो रही है। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु द्रव्यमान नहीं, यानी कि मास नंबर पे नहीं, परमाणु की संख्या पर तत्वों का निर्भर करता है। यानी तो जो तत्वों का जो मौलिक गुण होता है वो किस पर डिपेंड करता है? उनके एटॉमिक मास पर नहीं, उनके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है। यानी एटॉमिक नंबर मींस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का कुल योग को ही हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं, यानी एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो परमाणु का जो मौलिक गुण है वो है एटॉमिक नंबर, यानी परमाणु संख्या। अतः मोसले ने एक नई आवर्त सारणी बनाई जिसका उन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी के नाम दिया। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यानी कि जिस तरह से तत्वों को बढ़ते हुए क्रम में सजाए, तत्वों के परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में सजाने पर एक सारणी प्राप्त होगी जिससे कि आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। यानी तत्वों को रासायनिक गुण तत्वों के रासायनिक गुण और परमाणु संख्या अर्थात इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करता है, न कि न्यूट्रॉन पर नहीं। ठीक है, तो मास नंबर पर नहीं डिपेंड करता है, परमाणु संख्या पर डिपेंड करता है। उन्होंने बताया कि ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर पे सजाया जाएगा तो उनके सिमिलर प्रॉपर्टीज रिपीट होने लगेगी, या फिर ग्रेजुअली रिपीट होगा, या फिर इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ठीक है, तो उन्होंने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया उसमें जो वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड ग्रुप्स और या कॉलम, तो उन्होंने जिन बनाया वो 18 ग्रुप्स बनाया। और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस था उसको उन्होंने नाम दिया रॉ या पीरियड, जिसको 7 पीरियड्स में डिवाइड किया। तो ये रहा, ये जो वर्टिकल लाइंस थे वो इस तरह से थे, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थे वो इस तरह से थे। ठीक है, तो ये थे हमारे, क्या ये थे पीरियड और ये था ग्रुप। ठीक है, तो ग्रुप को जिस तरह से उन्होंने बांटा, ग्रुप को उन्होंने बांटा, इस बॉक्सेस को उन्होंने नाम दिया ब्लॉक्स, यानी बॉक्सेस आर कॉल्ड ब्लॉक्स, ब्लॉक्स के नाम पे कहा गया। इसको कक्षा या फिर कक्षा के नाम पे भी जाना गया। और जैसे कि अपने नील्स बोर की थ्योरी में पढ़ा था, के एल एम एन सेल, सेल को कक्षा का नाम दिया गया। तो जो नील्स बोर ने अपने एक थ्योरी जो बनाया था वो कक्षाओं के ऊपर, बाद में उन्होंने के एल एम एन जो बनाया था, कक्षाएं बनाई थी, उसको फिर सब ऑर्बिट में डिवाइड किया गया SPDF में। SPDF क्या है? वो ब्लॉक है, यानी जो उप कक्षाएं हैं। ठीक है, इनकी अपनी अपनी इलेक्ट्रॉन रखने की संख्या है, क्षमता है। तो जो ग्रुप 1 था, ग्रुप 1 और 2 को S ब्लॉक में रखा गया, ग्रुप 13 से 18 को P ब्लॉक में रखा गया, और ग्रुप 3 से लेकर 12 तक को D ब्लॉक में रखा गया। ठीक है, ग्रुप 1 और 2 जो इस तरह से दिख रहा है एस ब्लॉक में रखा गया, ग्रुप 13 टू 18 पी ब्लॉक में, और 3 टू 12 डी ब्लॉक में रखा गया। ग्रुप 3 में और 6th और 7th पीरियड में जो 14 14 एलिमेंट्स थे, जिनको लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स भी कहा जाता है, जिनका एटॉमिक नंबर था 57 टू 71 और 89 टू 103,
उनको जो 14 14 एलिमेंट्स थे उनको एफ ब्लॉक में रखा गया, ठीक है। ये एफ ब्लॉक अभी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो SPDF है वो आप लोग जब हायर क्लास में जाएंगे तो आपको और अच्छे से डिटेल्स में मिलेगा कि SPDF क्या है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार किसी भी एलिमेंट्स के परमाणु संख्या को किस तरह से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में अभी और अभी अभी और भी आपको मिलेगा जिससे कि हम लोग आराम से निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल में हमें और क्या क्या देखने को मिलता है, उसमें क्या क्या और भी हमें उससे क्या जानकारी मिलती है, किस बेसिस पे आधार पर मॉडर्न पीरियडिक टेबल बनाया गया जो कि मेंडलीव से बेहतर था। तो जो पीरियड इसमें 7 पीरियड है, ये हम लोग सभी जानते हैं कि 7 पीरियड है, इसमें 7th पीरियड है, ठीक है। जो शॉर्टेस्ट जो पीरियड था पीरियड टेबल का वो था 1st पीरियड, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं ना हॉरिजेंटल को हम लोग पीरियड कहते हैं, तो उसमें हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, ये दोनों सॉरी दो एलिमेंट्स थे हाइड्रोजन और हीलियम। जो सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड था पीरियडिक टेबल में, आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है, जो सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड था वो था पीरियड थर्ड में था लैंथनम सीरीज और एक्टिनम सीरीज में। तो लैंथनम में भी कितने एलिमेंट्स थे, 14 एलिमेंट्स थे, और एक्टिनम जो सीरीज था उसमें भी 14 एलिमेंट्स थे। तो लॉन्गेस्ट पीरियड जो है वो 6th और 7th है, जो कि 7th अभी भी इनकम्प्लीट है। 7th क्या है, अभी भी इनकम्प्लीट है, ये जो अभी भी इसमें एलिमेंट्स की खोज जारी है, डिस्कवरी हो रही है इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद ग्रुप 1 को अल्कली मेटल्स का नाम दिया गया। ये जो ग्रुप 1 है यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ग्रुप 1 को अल्कली मेटल का नाम दिया गया। अल्कली मेटल क्यों कहा जाता है, क्योंकि दे रिएक्ट विथ वाटर फॉर्म्स अल्कलीज, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके अल्कलीज बनाते हैं, जो कि ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है और ये इतना स्ट्रॉन्ग बेस होता है कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके, ठीक है। दे आर वेरी रिएक्टिव, ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनको डायरेक्ट एयर में नहीं रखा जाता है। ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और मोनोवेलेंट होते हैं, इनकी ये विशेषताएं होती हैं। तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम और फ्रांसियम है, इनको हाईली रिएक्टिव और ये मोनोवेलेंट होते हैं, यानी इनकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। इन सब की वैलेंसी 1 होगी, यानी ग्रुप 1 की वैलेंसी क्या होगी, 1। ग्रुप 2 की वैलेंसी क्या होगी, 2। ग्रुप 3 की वैलेंसी क्या होगी, 3। ग्रुप 4 की वैलेंसी क्या होगी, 4, ठीक है, इस तरह से करके होगी। तो ये ग्रुप 1 जिस तरह से रखा गया इनको मोनोवेलेंट कहा गया। ये उसके बाद से आते हैं ग्रुप 2। ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा गया, ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा गया है, इसलिए इसमें बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम एस्ट्रॉन्टियम बेरियम और रेडियम, ये जो कितने हैं, ये जितने भी एलिमेंट हैं इनमें इनको हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाते हैं। वो इसलिए कहा जाता है कि ये लोग इनके कॉम्पेटिवली ये रिएक्टिव होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, डाई वैलेंट होते हैं, इनकी वैलेंसी 2 होगी, डाई वैलेंट मेटल्स होते हैं एंड फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं विच रिएक्ट विथ वाटर, जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ये इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठीक है। ग्रुप और पीरियड से हमें और क्या क्या जानकारी मिल सकती है, जैसे कि अब ग्रुप 1 और 2 में जो एलिमेंट्स हैं, और ग्रुप 13 और 2 18 एलिमेंट्स है, ग्रुप 1 और 2, ठीक है, और ग्रुप 13 टू 18 जो एलिमेंट्स हैं इनको हम लोग कहते हैं, इसको जो टेबल इसको पीरियोडिक टेबल में इसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। वो इसलिए क्योंकि ये लोग अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रुप 1 2 और द एलिमेंट्स ऑफ 13 एंड 18 ग्रुप्स पीरियोडिक टेबल के रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के नाम से जाने जाते हैं। इनको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको मिलाकर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के भी नाम से जाने जाते हैं, यानी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी तत्व हैं, उनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये अपने ही ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि टिपिकल एलिमेंट्स किसको कहा जाता है, टिपिकल एलिमेंट्स किसको कहा जाता है, तो जो ग्रुप टिपिकल एलिमेंट्स में आप इधर देखिए, टिपिकल एलिमेंट्स में कौन कौन से आएंगे, पीरियड 3rd के जितने भी एलिमेंट्स हैं, पीरियड 3rd के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर पीरियड 3rd के हैं एलिमेंट सोडियम है, मैग्नीशियम है, उसके बाद अल्मोनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन, ठीक है। सोडियम मैग्नीशियम यहाँ आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अल्मोनियम सिलिकॉन फास्फोरस
सल्फर, क्लोरीन और आर्गन को मिलाकर इनको टिपिकल एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये अपने ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को ये लोग खुद रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी ग्रुप के प्रॉपर्टीज को। यानी आप एक एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे तो इनके पूरे ग्रुप के प्रॉपर्टीज को, उनके पूरे ग्रुप के प्रॉपर्टीज मीन्स फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को आसानी से जान सकते हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, सिलिकम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन को कहा जाता है पीरियड थर्ड के एलिमेंट्स को, ठीक है, पीरियड थर्ड के एलिमेंट्स को कहा जाता है टिपिकल एलिमेंट्स, ठीक है। चालकोजंस किसको कहा जाता है? चालकोजंस किसको कहा जाता है? हम यहाँ पर जैसे कि है, यहाँ पर ग्रुप 13 to 18 जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको फैमिली का नाम दिया गया, यानी कि बी के बोरॉन को बोरॉन फैमिली कहा जाता है, कार्बन को कार्बन फैमिली के नाम से जाना जाता है, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन का परिवार, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन का परिवार, फ्लोरीन को फ्लोरीन का फैमिली और हीलियम को हीलियम का फैमिली परिवार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, बोरॉन की फैमिली मीन्स क्या क्या आएगा, बोरॉन, अल्मोनियम, गैलियम, ये सब आएगा, कार्बन, कार्बन की परिवार में आएगा सिलिकन आ जाएगा, जर्मेनियम आ जाएगा, टीन आ जाएगा, लेड आ जाएगा, ये सब। नाइट्रोजन का परिवार में फास्फोरस, आर्सेनिक आ जाएगा, ऑक्सीजन के परिवार में ऑक्सीजन आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा, उसके बाद फ्लोरीन का परिवार में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ जाएगा, और हीलियम के परिवार में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेनॉन, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। तो कार्बन का जो परिवार, सॉरी, ऑक्सीजन का जो परिवार है, इनको चालकोजंस के नाम से भी जाना जाता है। चालकोजंस का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग, यानी कि जो ओर बनाते हैं, ओर जानते हैं ना आप लोग, जिससे कि बहुत सारे एलिमेंट्स निकलते हैं। ओर किस में होते हैं? एस के रूप में होते हैं, एस को कहा जाता है ना, तो ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स चालकोजंस को कहा जाता है। ग्रुप 16 के फैमिली को ही, यानी ऑक्सीजन फैमिली को ही एक और नाम दिया गया है चालकोजंस, जिसका मतलब होता है बिकॉज मेनी एलिमेंट्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड, इससे बहुत सारे एलिमेंट्स निकलते हैं जो कि ऑक्साइड और सल्फाइड्स के ओर में होते हैं और उससे बहुत सारे एलिमेंट्स निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ पीरियड। पीरियड्स से हमें क्या ज्ञान मिलता है और ग्रुप से क्या ज्ञान मिलता है, उन सब का महत्व क्या होता है, पीरियड और ग्रुप का क्या महत्व होता है, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ पीरियड, पीरियड का क्या महत्व है? पीरियड का महत्व ये है कि द नंबर, पीरियड नंबर के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगा जानकारी, पीरियड से हमें जानकारी मिलता है कि वो जो एलिमेंट है उस वो कितने सेल्स में प्रवेश कर रहा है। जैसे कि देखिए एग्जांपल्स में, यदि हम 19K लेंगे, 19K यानी कि लेंगे हम लोग, और पोटेशियम और उसके बाद कैल्शियम लेते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना हुआ, 2.8.8.1, 2.8.8.2, यानी कि फोर्थ सेल्स में ये पहुंच, उसकी एनर्जी लेवल कितनी होगी, फोर्थ होगी, यानी कि हमें बताता है कि द पीरियड नंबर ऑफ द पीरियडिक टेबल टेल्स अस द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट की संख्या बताता है दैट द एटम विल हैव, जो एटम उसमें होगा, यानी पीरियडिक टेबल हमें बताता है क्या कि एनर्जी लेवल्स, यानी एनर्जी ऑर्बिट, यानी कक्षाओं की संख्या कितनी होगी उस एटम की। फर्स्ट पीरियड इंडिकेट्स दैट द दीज एलिमेंट्स पोजेस वन एनर्जी सेल, उस एनर्जी, वो एलिमेंट्स का वन एनर्जी सेल होगा। जैसे सेकेंड पीरियड बताएगा कि सेकेंड सेल होगा, और जिस थर्ड पीरियड बताएगा उसमें तीन एनर्जी सेल्स होंगे, फोर्थ पीरियड बता रहा है कि फोर्थ एनर्जी सेल्स होगा, तो होगा पीरियड नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सेल्स, ये हमें जानकारी मिलती है। और ग्रुप से क्या जानकारी मिलती है? ग्रुप से हमें जानकारी मिलती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या। जैसे कि ग्रुप नंबर है ये 2, ठीक है। कैल्शियम किस में है? ग्रुप नंबर 2 में है, तो 2.8.2.2 यहाँ पर, सॉरी 2.8.8.2, तो ये लास्ट में कितना है, 2 है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, जितना कि लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। ये है पोटेशियम, ये है ग्रुप नंबर 1 का, तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन में कितना है, 1 है, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 1 हुआ, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप से हमें पता चलता है कि लास्ट ऑर्बिट में कितना कितना इलेक्ट्रॉन है, इससे हमें इसकी वैलेंसी की पता चलती है, ठीक है, हो गया कन्फर्म। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हैलोजन वगैरह किसको कहते हैं, हैलोजन किसको कहते हैं, गैसियस एलिमेंट्स कौन कौन से हैं पीरियोडिक टेबल में, वो देखते हैं। यहाँ पर देखिए पता चल रहा है हमें कि जो ग्रुप 17 है, ग्रुप 17 आर द हैलोजन्स, हैलोजन्स ग्रुप का है ये,
हेलोजन्स को कहा जाता है, ग्रुप 17 को हेलोजन्स कहा जाता है। हेलोजन्स में कौन कौन से आते हैं? ग्रुप 17 में आते हैं फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इसको हम लोग हेलोजन कहा जाता है। वो हेलोजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके बिकॉज दिस गिव सॉल्ट, ये हमें लवण देते हैं व्हेन रिएक्ट विथ मेटल, सॉरी मेटल के साथ रिएक्ट करके ये हमें सॉल्ट देते हैं, यानी हमें लवण देते हैं किसी भी मेटल के साथ, यानी धातु के साथ ये रिएक्ट करके हमें ये लवण देते हैं। ग्रुप 3 to 12 को ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। 3 to 12 को ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे 3 to 12 जितने भी एलिमेंट्स हैं स्कैंडियम से लेकर जिंक तक को हम लोग किसको कहा जाता है, 3 to 12 को कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि इनका जो डी ब्लॉक्स होता है डी ऑर्बिट में, लास्ट एलिमेंट में पूरी तरह से ये डी ऑर्बिट में ये पूरी तरह से भरा हुआ नहीं रहता है, इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमक धातु का भी नाम, संक्रमक तत्व का नाम दिया गया है। ग्रुप एलिमेंट्स को पीरियडिक टेबल में नॉवल गैसेस कहा जाता है, ग्रुप जिसको इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन को नॉवल गैसेस कहा जाता है, क्योंकि ये कम्प्लीटली इनके आउटर मोस्ट सेल में जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो 2.8.8.2 पूरा लास्ट, सॉरी 2.8, जो लास्ट ऑर्बिट में है, जो फर्स्ट है हीलियम, ये तो 2 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, और जो लास्ट ऑर्बिट में जैसे 20 है नियोन का, सॉरी 10 है, तो जो लास्ट ऑर्बिट में ये पूरी तरह से अपने ऑक्टेट को भरा हुआ है 2.8, यानी कि लास्ट ऑर्बिट में इसका 8 पूरा अपना ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसीलिए ये किसी भी अदर एलिमेंट से जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए इसको नॉबल गैसेस का कहा जाता है। इनका आउटर मोस्ट सेल हमेशा भरा हुआ रहता है, और इनको इनर्ट गैस इसलिए कहा जाता है, निष्क्रिय तत्व, क्योंकि ये किसी भी अलग और से एलिमेंट्स के साथ, किसी भी तत्वों के साथ ये जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं। नेम द एलिमेंट्स इन पीरियडिक टेबल जो कि गैसियस फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो पीरियडिक टेबल में गैसियस फॉर्म में कौन कौन से एलिमेंट्स रहते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये गैसियस फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। इसलिए पीरियडिक टेबल में जब आप देखेंगे कलरफुल पीरियडिक टेबल में तो इनको येलो कलर से लिखा जाता है, ठीक है। उसी तरह से लिक्विड स्टेट में कौन सा एलिमेंट रहता है? तो लिक्विड स्टेट में पीरियडिक टेबल में ब्रोमीन का स्थान दिया गया है, जिसको पिंक कलर से लिखा गया है, फिर पर्पल से लिखा गया है, ठीक है। इस तरह से हमारा ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल से हमें बहुत कुछ जानकारियाँ मिलती हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी एलिमेंट्स को आसानी से निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। मोस्टली 20 एलिमेंट्स को देखिए ताकि और भी जल्दी से आसानी से याद हो जाए, और लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स तो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से हमने आज मोस्ले और नील्स बोर्स के अकॉर्डिंग जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल बना है, या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल बना है, आधुनिक आवर्त सारणी जो बना है, उससे हम लोग इतनी जानकारी आज ली। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक आप इस चैनल को देखते रहिए, शेयर जरूर करिए ताकि और भी बच्चों को लाभ मिले। ओके, कीप वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू।